अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हतीम टेक न्यूज। मैं हूं अब्दुल मतीन और आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ कुछ लेटेस्ट टेक न्यूज और कुछ अपकमिंग मोबाइल्स के बारे में बताऊंगा, कुछ प्राइस चेंजेस के बारे में बताऊंगा और एक न्यूज और है मेरे पास कि कुछ मोबाइल की प्राइसेस बढ़ भी रही हैं, तो आज वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ रीसेंट मोबाइल प्राइस चेंजेस जो पाकिस्तान में हुई हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले सैमसंग गैलेक्सी ए सीरीज की बात कर लेते हैं। सैमसंग गैलेक्सी ए सीरीज की जो प्राइस चेंज हुई है, सैमसंग ने ए सीरीज की प्राइस अभी कम की है। थोड़े दिन पहले सैमसंग ने गैलेक्सी ए सीरीज की प्राइस बढ़ाई थी, अभी दोबारा सैमसंग ने गैलेक्सी ए सीरीज की प्राइस कम की है। तो यहाँ पे मैं आपको प्राइस अपडेट कर देता हूँ। सैमसंग गैलेक्सी ए डी पहले लॉन्च हुआ था 1,20,000 रुपये का, उसकी लॉन्चिंग को भी इतना टाइम भी नहीं हुआ, इसकी प्राइस चेंज हो गई है 1,15,000 रुपये हो गई हैं। तो मैं आपको पहले ही बोल रहा था कि प्राइस ओवर प्राइस मॉडल है सैमसंग गैलेक्सी ए एटी, लेकिन अभी भी 1,15,000 रुपये भी मुझे मेरे हिसाब से ज्यादा है। 1,15,000 रुपये कर दी इसकी प्राइस सैमसंग ने। उसके बाद सैमसंग गैलेक्सी ए सेवेंटी की प्राइस भी चेंज हुई है। सैमसंग गैलेक्सी ए सेवेंटी की प्राइस थी 68,000 रुपीज और इसकी प्राइस चेंज होकर 65,000 रुपये हो गई है, लेकिन अभी भी ज्यादा है। इसकी जो ओल्ड प्राइस थी पहले वो 62,000 रुपये पे लॉन्च हुआ था, तो उसके बाद भी ज्यादा है, 65,000 रुपये हो गई इसकी नई प्राइस। उसके बाद सैमसंग गैलेक्सी ए फिफ्टी की प्राइस 55,000 रुपये थी, अब चेंज होकर 52,000 रुपये हो गई है, वापस अपनी प्राइस पे आ गया है। पहले इसकी प्राइस 52 से 55 हुई थी, अब दोबारा 55,000 से 52,000 का हो गया है। इसी तरह सैमसंग गैलेक्सी ए थर्टी 41,000 रुपये का हो गया था, 40,000 से पहले इसकी प्राइस बढ़ गई 41,000 रुपये हो गई थी, लेकिन अब 41,000 से 38,000 रुपये का हो गया है, तो अपनी प्राइस से भी कम आ गया है। ए थर्टी सैमसंग गैलेक्सी ए थर्टी 41,000 से 38,000 रुपये का हो गया है। इसके साथ सैमसंग गैलेक्सी ए ट्वेंटी की बात करते हैं। सैमसंग गैलेक्सी ए ट्वेंटी की नई प्राइस है 30,000 रुपये, जो कि 31,500 का हो गया था बढ़ के, लेकिन अब वापस अपनी प्राइस पे आ गया है 30,000 रुपये पे। इसी तरह सैमसंग गैलेक्सी ए टेन बढ़ के प्राइस इसकी हो गई थी 23,500, जो कि अब वापस की प्राइस चेंज हो गई है 22,000 रुपये, लेकिन पहले जब लॉन्च हुआ था 21,500 का लॉन्च हुआ था, अब इसकी जो प्राइस हो गई है 22,000 रुपये हो गई है, 23,500 से कम हुई है, 22,000 रुपये का हो गया सैमसंग गैलेक्सी ए टेन। तो ये थी सैमसंग गैलेक्सी ए सीरीज की प्राइस अपडेट। उसके अलावा टेक्नो पॉप टू की प्राइस भी चेंज हुई है। टेक्नो का एक मॉडल है पॉप टू, उसकी प्राइस पहले थी 9,500 रुपये, जो कि अब 8,000 रुपये का हो गया है। टेक्नो पॉप टू 8,000 रुपये का अवेलेबल है पाकिस्तानी मार्केट में। अब मैं आपको उन मोबाइल्स के बारे में बता देता हूँ जिनकी एक्सपेक्टेड है कि प्राइस कम होने वाली है। वीवो की कुछ मॉडल्स हैं जिनकी एक्सपेक्टेड है कि प्राइस कम होगी, तो उनके बारे में आपको बता देता हूँ। वीवो के कुछ मॉडल्स हैं जैसे वीवो Y93 है, वीवो Y91 है, वीवो Y95 है, इन मॉडल की एक्सपेक्टेड है कि प्राइस कम होगी। वीवो V15 भी है, वीवो V15 की प्राइस भी एक्सपेक्टेड है कम हो सकती है। इसके अलावा वीवो Y90 की प्राइस भी कम होगी, क्योंकि Y90 ओवर प्राइस लॉन्च हुआ है 19,000 रुपये में। मुझे जो लग रहा है इसकी प्राइस कम होगी 17,000-18,000 रुपये के दरमियान इसकी प्राइस भी होगी। वीवो Y90 की प्राइस भी एक्सपेक्टेड है कम हो, और वीवो S1 की प्राइस भी एक्सपेक्टेड है कम होगी। अब मैं आपको वो प्राइस बता देता हूँ जो कि एक्सपेक्टेड है कि बढ़ने वाली प्राइसेस हैं। जैसे हुआवे के कुछ मॉडल्स हैं जिसमें तीन मॉडल्स का मुझे कंफर्म हो चुका है, हुआवे के तीन मॉडल्स की प्राइस बढ़ रही हैं, जिसमें सबसे ज्यादा एट्रैक्टिव मॉडल है हुआवे Y9 Prime 2019, जो कि हॉट सेलिंग डिवाइस बनी हुई है। मार्केट में वैसे ही ओवर प्राइस बिक रही है डिवाइस, क्योंकि शॉर्ट है, स्टॉक लिमिटेड है, तो वैसे ही ऑलरेडी ओवर प्राइस बिक रहा था हुआवे Y9 Prime 2019, लेकिन अब इसकी तरफ से ये न्यूज आ रही है कि हुआवे Y9 Prime 2019 की प्राइस बढ़ने वाली है। इसकी प्राइस अभी ऑफिशियल थी 34,000 रुपये, लेकिन अब इसकी प्राइस 2,000 रुपये इंक्रीज हो रही है, 36,000 रुपये हो रही है। तो हुआवे Y9 Prime 2019 की प्राइस बढ़ के 36,000 रुपये होने वाली है। इसके साथ ही दो मॉडल्स की प्राइस और बढ़ रही है हुआवे की, हुआवे P30 Lite की प्राइस भी इंक्रीज होने के चांसेस हैं। इसी तरह हुआवे Y7 Prime 2019 के भी प्राइस इंक्रीज होने के चांसेस हैं। तो ये तीन मॉडल्स हैं अभी जिनकी मेरे पास न्यूज आई है, हुआवे Y9 Prime 2019, हुआवे P30 Lite, हुआवे Y7 Prime 2019, इन तीन मॉडल्स की प्राइस बढ़ रही है, प्राइस बढ़ने की एक्सपेक्टेड है। और आप अपकमिंग मोबाइल्स के बारे में बता देता हूँ। अपकमिंग मोबाइल्स के अंदर दो मॉडल आ रहे हैं, एक रियलमी C2 का नया वेरियंट आ रहा है। रियलमी C2 अवेलेबल पाकिस्तान में एक दो वेरिएंट है, 2GB RAM 16GB ROM का और एक 3GB RAM 32GB ROM का वेरिएंट, लेकिन अभी Realme C2 के अंदर नया वेरिएंट आ रहा है 2GB RAM with 32GB ROM, यानी यहाँ पे आपको 2GB RAM के साथ 32GB ROM की स्टोरेज मिलने वाली है Realme C2 के अंदर। बाकी तमाम चीजें सेम होंगी, सिर्फ वेरिएंट का फर्क है, 2GB RAM with 32GB ROM का वेरिएंट होगा और ये 1st अगस्त से पाकिस्तान में अवेलेबल होगा। इसकी प्राइस रखी गई है 19,000 रुपये। Realme C2 का नया वेरिएंट 19,000 रुपये की प्राइस के अंदर लॉन्च हो रहा है, 1st अगस्त से पाकिस्तान में अवेलेबल होगा। इसके अलावा Xiaomi की तरफ से भी एक डिवाइस आ रही है Mi 9T, जिसके बारे में आपको पहले भी बताया था, मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाई थी। Mi 9T और Mi 9SE दो डिवाइसेज आएंगी पाकिस्तान में, जिसको आप कंफर्म भी कर दिया है Xiaomi पाकिस्तान ने, अपने फेसबुक पेज पे भी लगा दिया है Mi 9T आ रहा है। और इसके अलावा Mi 9T दराज पे भी आ गया है, मैंने आपको बताया था दराज पे एक्सक्लूसिव लॉन्च होगा Mi 9T, तो दराज पे भी खुल चुका है मॉडल Mi 9T के नाम से और इसकी प्राइस भी अनाउंस हो चुकी है। Mi 9T आ रहा है 6GB RAM with 128GB ROM का डिवाइस आ रही है, 61,000 रुपए इसकी प्राइस रखी गई है, 61,000 रुपीज में लॉन्च हो रहा है Mi 9T Snapdragon 730 वाली डिवाइस। 6GB RAM with 128GB ROM का वेरियंट आ रहा है, जबकि मैंने आपको पहले बताया था 6GB RAM with 64GB ROM का वेरियंट आएगा, लेकिन अभी जो वेरियंट आ रहा है कन्फर्म हो चुका है 6GB RAM with 128GB ROM का वेरियंट होगा। इसकी प्राइस रखी गई है 61,000 रुपीज, लेकिन
दराज पे एक्सक्लूसिव लाउंज पे ये डिस्काउंट दे रहे हैं 58,999 रुपीज का मिलेगा आपको, यानी 59,000 रुपीज का मिलने वाला है आपको पाकिस्तान में ऑफिशियल मी 90 जिसका दूसरा नाम रेडमी K20 है। काफी लोग वेट कर रहे थे रेडमी K20 का, तो मी 90 ऑफिशियल हो चुका है। 3 अगस्त से इसकी सेल शुरू हो जाएगी दराज पे, अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो 3 अगस्त से दराज पे इसकी सेल शुरू होने वाली है। उसका बाय करने का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। इसके अलावा सैमसंग की एक नई डिवाइस आ रही है, सैमसंग गैलेक्सी A30s। ये सैमसंग गैलेक्सी A30 का लोअर वेरियंट है A30s के नाम से। इसमें ट्रिपल कैमरा बैक सेटअप लगाया गया है, बैक पे ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा जो कि अभी इंडिया में लाउंच हो रहा है 11 अगस्त को, और इंडिया में 11 अगस्त को 14,000 रुपए की प्राइस में लॉन्च हो रहा है। तो अभी देखते हैं पाकिस्तान में कब लॉन्च होगा और पाकिस्तान में एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होगी इसकी, अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इंडिया में लॉन्च हो रहा है 14 अगस्त को A30s ट्रिपल कैमरा सेटअप वाला। तो ये थी अब तक की लेटेस्ट टेक न्यूज, मैंने आपको बताई मोबाइल प्राइस चेंजेस के वाले से बता दिया, जो अपकमिंग डिवाइस है वो आपको मैंने बताई। वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि इसी तरह की मजीद वीडियो से अपडेट रह सकें। अल्लाह हाफिज़।